आदिवासियों की परंपरा, उनकी संस्कृति, इसका एक नमूना है इनका नृत्य। इतने लोगों का एक साथ एक लय और ताल पर नाचना, यही तो खासियत है इस नृत्य की। इसकी सामूहिकता और इसकी वानगी तो देखिए, कितना बढ़िया तालमेल है इनके बीच। नृत्य की ये खासियत तो एक प्रतीक है उन आदिवासी लोगों की जो टोलियों में रहते हैं और जिनका सामाजिक दायरा इतना बंधा हुआ है कि कोई भी बाहरी ताकत उसे भेद नहीं सकती, नहीं वे किसी बाहरी चीज को जल्दी स्वीकारते हैं। ऐसे में जब आदिवासियों के बीच साक्षरता अभियान छेड़ने की बात चली तो स्वयं सेवकों के सामने जो सवाल आया वो था कि पढ़ाई लिखाई की बात करने के लिए इन तक पहुंचा जाए तो कैसे। चूंकि आदिवासी अपनी निजी जिंदगी या अपने छोटे से सामाजिक दायरे में किसी का हस्तक्षेप पसंद नहीं करते हैं, ऐसे में स्वयं सेवकों के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती थी वो थी कि इन भोले भाले आदिवासियों का मन जीतकर इनके विचारों तक कैसे पहुंचा जाए। आदिवासी क्षेत्र विशेष इस चुनौती को स्वीकारा सत्यनारायण, रामाराव, मल्लिकार्जुन और किशोर जैसे स्वयं सेवकों ने। इन्होंने गांव में घूम घूम कर लोगों के नजदीक पहुंचने की कोशिश की। धीरे धीरे वे गांव वालों के बीच विश्वास पैदा करने में कामयाब तो हो गए, पर जैसे ही उनसे पढ़ने पढ़ाने की बात की तो उन्होंने ना कर दिया। इसका कारण भी बड़ा साफ था। ज्यादातर किसान या तो छोटे किसान थे या फिर खेतीहर मजदूर, लिहाजा उनके पास इस बात की फुर्सत ही नहीं थी कि पढ़ने लिखने में अपना समय दे सके और न ही वे इसकी जरूरत समझते थे। तो जब कोई भी पढ़ाई लिखाई के लिए तैयार नहीं हुआ तो इन स्वयं सेवकों को लगा कि वे नाहक ही परेशान हो रहे हैं। अरे पढ़ा लिखा कर वे जिसकी भलाई करना चाहते हैं वही तैयार नहीं है तो फिर ये सब किसके लिए करें। नहीं नहीं भाई, ऐसा मत सोचो। इन लोगों से संबंध बनाकर आपने बड़ी समझदारी का काम किया है। आपकी समस्या है कि ये लोग कक्षा में आते नहीं। खैर कोई बात नहीं, इसके लिए मैं तुम्हें एक आइडिया देता हूं। अब ये बात तो सच है कि ये ठहरे किसान लोग ये सोचते हैं कि अगर ये आपकी कक्षा में आएंगे तो खेती नहीं कर पाएंगे, खेती नहीं करेंगे तो इन्हें मजदूरी नहीं मिलेगी और मजदूरी नहीं मिलेगी तो ये खाएंगे क्या। ये भी सही सोचते हैं। ऐसे में आप लोगों को चाहिए कि आप इनके पास जाएं और इन्हें ये समझाएं कि खेती के लिए कौन से अच्छे बीज की जरूरत है, कौन सी अच्छी खाद की जरूरत है, फिर देखिए आप। और साथ साथ इन्हें ये भी समझाइए कि पढ़ने लिखने से ये बात और अच्छी तरह समझ में आएगी। देखते देखते ये लोग आपके दोस्त बन जाएंगे, आपकी कही हर बात पर यकीन करेंगे और गौर से सुनेंगे। सच कह रहा हूं। स्वयं सेवक मल्लिकार्जुन ने बिल्कुल ऐसा ही किया। उसने निरक्षर किसानों को इकट्ठा कर उन्हें खेतों में फर्टिलाइजर्स के इस्तेमाल की जानकारी देनी शुरू की। उसने किसानों को बताया कि आप अपने खेतों में कड़ी मेहनत तो करते ही हैं, इसके साथ यदि आप खाद और कीटनाशकों का भी प्रयोग करें तो इससे खेतों में 20-30% अधिक अन्न उपजा सकते हैं। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप जिस फर्टिलाइजर या कीटनाशक का प्रयोग करें पहले उसकी जांच कर ले कि कहीं वो असरहीन तो नहीं हो गया, और ये तभी पता चलेगा जब आप पैक पर छपी निर्माण तारीख को पढ़ेंगे। और डिब्बा पढ़कर इस बात की भी जानकारी मिलेगी कि आप जिस रसायन का प्रयोग करने जा रहे हैं वो फसल के मुताबिक ठीक है या नहीं। इसीलिए आप लोगों को पढ़ना लिखना आना बहुत जरूरी है। मल्लिकार्जुन की बात छोटे आदिवासी किसानों की समझ में आ गई। फिर तो उन्होंने पढ़ना लिखना सीखने में कोई हिचक नहीं दिखाई। चाला उपयोग
पर कुछ ऐसे भी किसान थे जो अपने खेतों में प्रयोग के लिए रासायनिक खाद तो खरीदते थे पर बिना कुछ देखे सुने। दुकानदार से डब्बा लिया और दे दिए पैसे, बस न तारीख देखी न कीमत। ऐसे में एक तरफ तो दुकानदार भी उसे कई बार बेवकूफ बना जाते थे और दूसरी तरफ फर्टिलाइजर सही नहीं होने की वजह से उन्हें नुकसान भी उठाना पड़ता था। स्वयं सेवक शमशुद्दीन ने फर्टिलाइजर्स के जब ऐसे ही फायदे और नुकसान के बारे में किसानों को बताने की कोशिश की तो किसी ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। जिन लोगों को शमशुद्दीन समझा पाया वे तो पढ़ना लिखना सीखने लगे। అవసరాలు తీరాలంటే ఆదాయం కావాలి అవసరాలు తీరాలంటే। लेकिन जब करीम का खेत गलत रसायनों के प्रयोग के कारण चौपट हो गया तब जाकर उसे पढ़ाई का महत्व समझ में आया। फिर तो वो शमशुद्दीन की कक्षा में आने लगा और पढ़ना लिखना सीखने लगा। అవసరాలు తీరాలంటే ఆదాయం కావాలి। इतना ही नहीं, खेतों में टहलते वक्त भी शमशुद्दीन ने उसे खेती बाड़ी के बारे में काफी कुछ बताया। करीम तो शमशुद्दीन का भक्ति बन गया। मल्लिका अर्जुन और शमशुद्दीन ने बिल्कुल सही काम किया। उनके कक्षा में कुछ लोग आए मगर मामला तब और जमेगा जब छोटे छोटे किसानों के साथ कुछ खेतीहर किसान या कुछ और लोग भी कक्षा में आए। अब इन्हें जरा दूसरे ढंग से समझाना पड़ेगा क्योंकि जिसके पास खेत ही नहीं है उसे फर्टिलाइजर के प्रयोग के बारे में बताकर फायदा ही क्या है। देखिए, उनके लिए तो जरूरी है उनकी मजदूरी। हाँ, और यही मजदूरी आदिवासी इलाकों की बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ के भोले भाले आदिवासी लोगों को ठेकेदार लोग अक्सर बेवकूफ बनाते हैं। आप उन्हें कम मजदूरी के बारे में सचेत करें और उन्हें बताएं कि पढ़ लिख कर वो अपने हकों के लिए लड़ सकते हैं। हर स्वयंसेवक की ये कोशिश होनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग साक्षरता कक्षा में आएं। ये बात याद रहे। आंध्र प्रदेश के आदिवासी इलाके में बसा है ये गांव, नाम है धर्मवरम। इस गांव में 150 के करीब घर हैं और करीब 1000 लोग यहां बसते हैं। आदिवासी बहुलता वाले इस गांव में विकास के नाम पर यदि कुछ है तो बस एक कच्ची सड़क। यहां यातायात के साधनों में भी कमी है, इसीलिए लोगों को अधिकतर पैदल ही दूरी तय करनी पड़ती है। इस इलाके के लोगों के पास यूं तो अपनी जमीनें भी हैं, पर वो इतनी कम है कि उसकी उपज से साल भर का गुजारा मुश्किल होता है। नतीजन वे मजदूरी करते हैं पर दिन भर की कठिन मेहनत की एवज में उन्हें पूरी मजदूरी भी नहीं मिलती है। स्वयंसेवक रामाराव ने यहीं से रास्ता निकाला। उसने रात के समय मजदूरों को इकट्ठा कर उन्हें ये समझाने की कोशिश की कि उनको उनकी मेहनत के मुकाबले कितनी कम मजदूरी मिलती है। इससे पहले इन आदिवासी मजदूरों को ये नहीं पता था कि उनको उनके काम की कितनी कीमत मिलनी चाहिए। सरकार ने तो उनके लिए मजदूरी भी तय कर रखी है, लेकिन उसका पता भी तभी तो चलेगा जब इन लोगों को थोड़ा पढ़ना लिखना आएगा। निरक्षर मजदूरों को रामाराव की बात जमी और उन्होंने रामाराव से अक्षर ज्ञान पाना शुरू कर दिया। लेकिन इन स्वयं सेवकों के सामने चुनौतियां यहीं खत्म नहीं हुई। स्थानीय स्वार्थी लोगों को निरक्षरों के पढ़ाने की बात पसंद नहीं आती, इसीलिए वे पढ़ने पढ़ाने के काम में बाधा भी खड़ी करते हैं और उनमें उधम भी मचाते हैं। ये लोग तो उधम मचाते हैं
और उधम मचाते ही रहेंगे, क्योंकि उन्हें इस बात का डर जो है कि वो अनपढ़ लोग जो कल तक उनके सामने बोलने की हिम्मत नहीं करते थे, आंख उठाकर बात नहीं करते थे, पढ़ लिख कर ज्यादा यानी कि सही मजदूरी अगर मांगने लगे तब क्या होगा, और ये बात उनके लिए कतई अच्छी नहीं, इसलिए वो चाहते हैं कि वो लोग अनपढ़ ही रहें। बस यही बात तो उन्हें समझानी है। स्वार्थी लोग तो चाहते हैं कि समाज का एक वर्ग निरक्षर ही रहे, पर चूंकि हमने साक्षरता की मशाल थामी है और हमारा ये काम है उन शोषित लोगों को एकजुट कर उन्हें उनके अधिकारों के प्रति लड़ना सिखाएं, जैसे ये बात उनकी समझ में आने लगेगी वैसे ही वो अपने आप को अपने अक्षर दूत के करीब महसूस करेंगे, और जितना करीब महसूस करेंगे उतनी ही ज्यादा पढ़ने लिखने में रुचि दिखाएंगे। ధర్మవరం డెవలప్ ఎందుకు అయింది, అసలు మనూరి ఎందుకు కాలేదు, అక్కడ ఎందుకు ఎక్కువ మంది చదువుకున్నారు, మనూరులు ఎందుకు ఎక్కువ మంది చదువుకోలేదు అని మనం ఆలోచించుకుంటే మనం చదువుకోవటం వల్ల స్వయం సేవక్ కిషోర్ కి సాక్షరతా కక్ష బేఖౌఫ్ హోకర్ చల్తీ రహి। हालांकि किशोर को भी स्थानीय स्वार्थी लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन वे इस कक्षा को बंद नहीं करवा सके। पता है क्यों? क्योंकि किशोर ने किताबी पढ़ाई लिखाई के साथ साथ इनके मन में ऐसी जागरूकता पैदा कर दी थी कि वे अपना भला बुरा समझने लगे थे। वे किसी के दबाव में नहीं आए। उनके लिए तो सबसे महत्वपूर्ण हो गया अक्षर ज्ञान हासिल करना। దీపం వెలిగిందమ్మా నాటికుల గూడెములో దీపం వెలిగిందా సాక్షాత్ సమితి వచ్చిందమ్మా నాటికుల గూడెములో దీపం వెలిగిందమ్మా। किशोर ने तो बाहरी ताकतों की चुनौती पर काबू पा लिया, लेकिन शांति के सामने तो चुनौती उसकी घर से ही मिली। शांति जब निरक्षरों को पढ़ाने के लिए निकलती तो उसकी माँ उसे अक्सर टोकती, भला बुरा कहती। माँ को ये बात बिल्कुल नहीं पसंद थी कि उसकी जवान बेटी घर से बाहर जाए, निरक्षरों को पढ़ाए। माँ को डर था कि कहीं समाज उसकी बेटी पर अंगुली न उठाने लगे, और फिर घर के कामकाज की भी तो समस्या थी जो उसकी माँ को खुद ही करना पड़ता था। तनाव का ये माहौल रोज रोज की हकीकत बन गई। शांति की समझ में नहीं आता था कि वो करे तो क्या करे। अब सवाल ये उठता है कि करें तो करें क्या, घर वालों की सुने या साक्षरता मुहिम से जुड़े रहें। खैर, उसका भी उपाय है, और ये उपाय बहसबाजी या जोर जबरदस्ती का नहीं है बल्कि मान मनोबल का है। आप घर वालों को प्यार से बैठकर समझाएं, उन्हें बताएं कि जो कुछ भी आप कर रहे हैं वो कितना जरूरी है, उससे देश या समाज को क्या फायदा होगा। एक बात और याद रहे, इसके साथ साथ आपको घर के कामकाज में भी हाथ बटाना है। ये नहीं कि आप हर वक्त पढ़ाई लिखाई की ही बातें करते रहें। फिर देखिए, घर वालों को आपकी बात समझ में आ जाएगी और फिर उन्हें आपका साक्षरता अभियान से जुड़ा रहना बुरा भी नहीं लगेगा। शांति ने पहले तो अपनी माँ और दादी के साथ बैठकर उन्हें ये समझाया कि वह जो भी कर रही है उसमें गलत कुछ नहीं है। रही बात समाज की अंगुली उठाने की, तो ये शंका बेतुकी है। वो जो भी करेगी वो समाज के सामने ही तो करेगी, फिर समाज कैसे उस पर अंगुली उठाएगा। घर वालों को समझाने के साथ साथ शांति ने घर के काम काज में भी हाथ बटाना शुरू किया। शांति की इन कोशिशों का नतीजा ये हुआ कि जहाँ पहले माँ उसे रोकती थी, अब खुद ही किताब हाथ में देकर कहने लगती है कि तुम्हारे साक्षरता का समय हो गया, बाकी काम मैं खुद कर लूंगी।
फिर तो शांति खुशी खुशी निरक्षरों के घर जाने लगी। निरक्षरों को तैयार करने में भी उसने काफी समझदारी का परिचय दिया। उसने निरक्षरों के साथ पहले नजदीकी संबंध बनाया, उनके बच्चों को दुलार कर उनसे घुलने मिलने लगी। ऐसा करने से उसकी कक्षा में गांव की खूब सारी महिलाओं ने बड़े चाव से सीखना शुरू किया। लेकिन इस किताबी पढ़ाई से भी जल्दी ही उबने लगे। यह शांति के सामने ये सवाल उठा कि पढ़ाई लिखाई के प्रति लोगों की दिलचस्पी कैसे बनाए रखें? देखिए भाई, अब क्लासरूम की तरह बिठाकर रोज रोज उन्हें पढ़ा तो सकते नहीं, क्योंकि ना तो ये कोई स्कूल है और ना ही हमारे निरक्षर भाई बहन कोई बच्चे हैं। वो लोग अनपढ़ जरूर हैं, पर नासमझ नहीं। उनमें भरा है ज्ञान का अथाह भंडार। क्यों ना उन्हें पढ़ाने के लिए हम कुछ मजेदार तरीका इस्तेमाल करें, देखें कि उन्हें किस चीज में शौक है, किस में रुचि रखते हैं। हाँ, आदिवासी लोगों को नाचना गाना बजाना ये सब बहुत अच्छा लगता है, तो क्यों ना हम इस तरह के प्रोग्राम इसमें शामिल करें। ऐसा करने पर कुछ और निरक्षर लोग भी इस प्रोग्राम में हिस्सा ले सकते हैं, और इस तरह से उनकी नीरसता भी खत्म हो जाएगी, उनका मनोरंजन भी होगा, और पढ़ने लिखने की बात को वो ज्यादा अच्छी तरह से समझ सकेंगे। क्यों ना इस बंदी बंदाई लीक पर चलने की बजाय कुछ नया करें। तो फिर चलते हैं। आदिवासी इलाकों में साक्षरता अभियान के लिए प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया, तो उसमें स्वयंसेवक बनने को उत्सुक लोगों की संख्या काफी सराहनीय थी। स्वयंसेवक बनने के लिए किन किन बातों की जरूरत है और निरक्षरों को पढ़ाई लिखाई से कैसे जोड़े रखा जाए, इन सब बातों को जानने के लिए बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। मौके पर उपस्थित साक्षरता अभियान के अधिकारियों ने इन्हें काफी कुछ बताया भी। कईयों ने तो सवाल पूछकर अपनी जिज्ञासा भी खत्म की। इन्हें ये भी बता दिया गया कि ये बिल्कुल स्वयं सेवा का काम है, जिसके लिए किसी भी प्रकार की तनख्वाह नहीं दी जाती है। सारा कुछ जानने और समझने के बाद बड़ी संख्या में लोगों ने इस जिम्मेदारी को स्वीकारा और वे स्वयं सेवक बने। लेकिन इस तरह के प्रशिक्षण शिविर में दी जाने वाली जानकारियों के अलावा कई चुनौतियां ऐसी होती हैं जिनका हल स्वयं सेवकों को अपनी मेहनत और काबिलियत का परिचय देकर खुद निकालना पड़ता है। अब जैसे निरक्षरों की पढ़ाई से उबने की ही बात है, तो इसके लिए शांति ने दूसरे स्वयं सेवकों को तैयार कर एक कला जत्था बनाया। इस कला जत्थे ने गाँव की गलियों में घूम घूम कर साक्षरता के गीत गाए। वे जहाँ भी गए लोगों का हजूम उनके साथ चलता था। इस तरह से निरक्षरों को काफी प्रेरणा मिली और पढ़ाई का महत्व उनकी समझ में आने लगा। आदिवासियों के सिमटे हुए समाज में यदि शांति इतना कर पाई तो वह निसंदेह बहुत तारीफ की बात है। शांति का भी यही कहना है कि वो आज ये सब तभी कर पाई है जब उसने घर वालों को समझाया, नहीं तो वो घर की चार दीवारी में ही कैद होकर रह जाती। शांति ने तो गीत संगीत का कार्यक्रम कर लोगों को पढ़ाई से बांध लिया, लेकिन सत्यनारायण की समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी साक्षरता कक्षा ऐसे ही चलती रहे, इसके लिए वह क्या करे। वो निरक्षरों को पढ़ाता तो था ही, पर उसे हमेशा इस बात की आशंका बनी रहती थी कि जो आज पढ़ने आ रहा है वो कल आएगा भी कि नहीं। देखिए, आपकी चिंता वाजिब है, पर आप इसी तरह पढ़ाते रहें और आप लोग ये जानने की कोशिश करें कि इनकी छोटी मोटी समस्याएं क्या हैं।
कुछ ना कुछ समस्या जरूर है जिससे इन्हें रोज जूझना पड़ता है। अगर ये लोग खुद नहीं बताते हैं तो आप लोग खुद सोचो कि क्या हो सकती है। हो सकता है कोई आदिवासी भाई चिट्ठी लिखवाना चाहता हो और शर्म के मारे आपको बता ना रहा हो। आपको धीरे धीरे इनके करीब जाना है, इनकी समस्याओं का पता चलाना है और उसका समाधान करना है। और हाँ, एक बात और, आप देखिए कि इनके गांव में जो राशन वाला है क्या वो इन्हें सही तरह से राशन दे रहा है या नहीं। हो सकता है वो इन्हें अनपढ़ समझकर चूना लगा रहा हो, ये सोचकर कि इनके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है। अगर ऐसी बात हो तो आप इन गांव वाले भाइयों को सचेत करें, फिर देखिए ये आप पर विश्वास करेंगे और आपकी कक्षा में आना नहीं छोड़ेंगे। राशन की दुकान पर माप तौल की हेराफेरी तो कई जगहों की आम समस्या है। ये समस्या कुछ हद तक इस गांव में भी थी। यहाँ पहले ये बात उठती थी कि लोगों को उतनी मात्रा में राशन नहीं दिया जाता जितने कि वे अधिकारी थे। अनपढ़ आदिवासियों को ये मालूम भी नहीं होता था कि कितना राशन उन्हें मिलना चाहिए और कितना मिल रहा है। ये निर्भर करता था दुकानदार पर कि वह राशन कम देकर चाहे पूरी मात्रा पर अंगूठा लगवा ले। ऐसे में स्वयंसेवक सत्यनारायण ने इन निरक्षरों को इकट्ठा कर ये पूछना शुरू किया कि क्या उन्हें पता है कि उन्हें कितना राशन मिलना चाहिए और कितना मिला। किसी के पास इसका जवाब नहीं था, सभी चुपचाप उसकी बातों को सुनते रहे। तब सत्यनारायण असली बात पर आया। उसने निरक्षरों को समझाया कि पढ़ा लिखा नहीं होने के कारण हर समय उनके ठगे जाने की आशंका बनी रहती है, इसीलिए यदि वे ऐसी स्थितियों से बचना चाहते हैं, तो इसके लिए लिखना पढ़ना सीखना ही होगा। स्वयं सेवक सत्यनारायण ने इतने प्रभावी तरीके से लोगों को समझाया कि उन्होंने अनपढ़ नहीं रहने का फैसला कर लिया और लिखाई पढ़ाई में जुट गए। स्वयं सेवकों की मेहनत और प्रेरणा का ही नतीजा है कि अब तो निरक्षरों को इंतजार होता है कि कब कृष्णन सर आएं और आकर पढ़ाएं। और कृष्णन सर के मोपेड की आवाज जैसे ही सुनाई पड़ती है, सबों का ध्यान उधर ही चला जाता है। जब वे आ जाते हैं फिर तो पढ़ने का दौर शुरू हो जाता है। वे पढ़ते भी हैं, मुद्दों पर बहस में हिस्सा भी लेते हैं और गाना बजाना तो करते ही हैं। गुड़ुगु गुड़ुगु कोलतलु कोलतलु मूरा मूरा द्वारा द्वारा नूकलु नूकलु गुड़ुगु गुड़ुगु। स्वास्थ्य और पर्यावरण जैसे मुद्दों पर बहस में हिस्सा भी लेते हैं और गाना बजाना तो करते ही हैं। पढ़ाई लिखाई के प्रति ये बेताबी आने वाले कल के लिए एक शुभ संकेत है। पढ़ो लिखो भाई मेरी बहना, पढ़ो लिखो रे आ आ कखा गगा, पढ़ो लिखो रे। गाना गाते गाते साक्षरता की मंजिल की ओर कदम बढ़ाएं, यही आदिवासी भाई बहन आप लोगों के साथ होंगे। फायदे इन्हें समझा दिए हैं, आपको बस नए नए तरीके, मजेदार तरीके निकालने हैं जिससे इनकी पढ़ाई लिखाई में रुचि बनी रहे।